Hi guys, welcome back to my channel, The Blue Head Girl. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप सेवन मेकअप अंडर ₹300. ये काइंड ऑफ बजट ब्यूटी या अफोर्डेबल ब्यूटी कह सकते हैं सीरीज को. मैं सोच रही ऐसे कुछ मेकअप, स्किन केयर एंड हेयर केयर सब कुछ का करूँ. सो अगर आपको जाने में कोई भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसा स्किन केयर वगैरह कुछ बनाऊँ या फिर आपका कोई भी और कुछ रिक्वेस्ट या क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. और सर आपको अभी जानना है कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, वीडियो एंड तक देखेगा. इनमें से कोई भी चीज़ ऐसे पुरानी वाली नहीं है, सारी की सारी न्यू है. मेरे लिए न्यू है, मतलब मैं न्यू कुछ खरीदा. मैंने इनमें से कोई भी चीज़ अपने पहले किसी वीडियो से मैंशन नहीं किया है. सो वो सारी चीज़ें हैं. सो अगर आपको जानने में कोई भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, वीडियो एंड तक देखेगा. सो और जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड प्राइसेस स्क्रीन पे मेंशन होंगे. और सर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होता है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड इसके बगल में बेल आइकन आएगा छोटा सा, उसे भी हिट कर दिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे. मैं इस तरह से कुछ और भी वीडियोस बनाते रहती हूँ या फिर अगर बीच में कहीं गायब हो जाती हूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे बता देती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर रहती हूँ एंड वहाँ पे कुछ अलग क्रिएट करती हूँ. तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, हैंडल यहीं की स्क्रीन पे दिख रहा होगा या तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो होने वाली है दैट इज़ ग्लिटर माफिया के ग्लिटर्स, लाइक यू कैन सी हियर. तो ये एक्चुअली मेरे हाथ में दो शेड है, दैट इज़ वन इज़ आई थिंक ब्लश पिंक एंड वन इज़ कॉपर. मैंने इनसे 9 शेड्स अभी तक परचेज किया है एंड दे आर जस्ट बॉम. एंड ये सिंगल टोन वाले, इनके पास डुओक्रोम भी है जो कि आई थिंक 250 रिटेल करते हैं. मैं प्राइसेस सारे स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी. अगर आप चाहते हैं तो एज मैं यहाँ पे पिक्चर्स डाल दूँगी मैंने जो भी क्रिएट किया इनको यूज़ करके. एंड लिटरली दे आर प्रेस्ड ग्लिटर्स, मतलब इनको आपको लगाने के लिए ग्लू की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा फॉल आउट है बट ओवरऑल बहुत अच्छे, लाइक ग्लिटर्स का थोड़ा फॉल आउट होता ही है बट आपको 200 रुपीज़ में लाइक 10 ग्राम्स ग्लिटर मिल रहा है एंड दैट्स अ गुड थिंग. एंड आपको बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है क्योंकि बहुत पिगमेंटेड, मतलब बहुत ज़्यादा जाम पैक्ड ग्लिटर्स है इसमें. सो ये बहुत अच्छा है एंड ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आया. जब मैंने अपने भाई की शादी में मैंने सारे मोस्ट ऑफ द लुक्स मैंने इसे यूज़ किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा था कि आपका मेरा आई लुक काफ़ी अच्छा है. सो दैट वॉज अ ये फॉर मी. सो या वैसे भी आप ग्लिटर्स कुछ भी पॉप कर दो तो वो एक आई लुक एक अलग लेवल का चला जाता है. आई थिंक मैंने एक और वीडियो में भी इसे पहना है, वो वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो. नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डाल सकते देख सकते हो मैंने क्या क्या वेयर किया था, मतलब आप पूरा वीडियो है प्रॉपर. और नहीं तो पिक्चर्स में यहीं कहीं साइड में इंसर्ट कर दो. तो या दैट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट वाज ग्लिटर माफिया की ग्लिटर्स. नेक्स्ट इज एन बाई बे एक शक्ति का लिपस्टिक एंड दिस इज इन द शेड, आई डोंट रिमेम्बर द शेड, इसमें शेड नहीं लिखा हुआ है. अगर मैं शेड नेम यहीं कहीं स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी. ये बहुत न्यूट्रल शेड है, लाइक यू कैन सी. एंड दिस इज बॉम, लाइक तो ये बहुत अच्छा है, लाइक आपके लिप्स को ड्राई नहीं कर सकता. ये मैट है, नॉन ट्रांसफर है आपके लिए. सो आराम से अगर आप कुछ फूड वगैरह नहीं खाते हो, लाइक ऑयली सब्सटेंस नहीं खाते हो तो फिर आराम से 3 से 4 मतलब 4 से 5 घंटे टिक जाता है. एंड आप कुछ खाते हो तो ये थोड़ा सा इनर एरिया लाइक इनर साइड ऑफ द लिप से हटने लगेगा क्योंकि जो कि हर मैट लिपस्टिक्स में होता है बट ड्राई आउट नहीं करता आपके लिप्स को. बहुत कम्फर्टेबल है एंड ये मेरे लिए, मतलब मेरी स्किन टोन के लिए एक न्यूड शेड है. तो मुझसे एक या दो शेड अगर आप डार्कर हैं तो फिर आप पे न्यूड शेड अच्छा लगे, मतलब ये न्यूड शेड की तरह होगा. नहीं तो फिर आपको थोड़ा वॉश आउट कर सकता है तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा. तो ये फेयर टू मीडियम काइंड ऑफ स्किन टोन, लाइक फेयर स्किन टोन के लिए, फेयर टू वीटिश लाइक मेरे टाइप के स्किन टोन के लिए ये परफेक्ट है. तो दैट वाज द सेकंड प्रोडक्ट. थर्ड इज अगेन एन वाई बे एक शक्ति का लिक्विड लाइनर, दैट इज़ ये इसका शेड मुझे याद है, इट वॉज चाचा चा, या तो इसका चाचा चा या तो इस लिक्विड लिपस्टिक का, दोनों में से किसी का चाचा चा है. सो दिस इज़ द लाइनर एंड ये एक्चुअली एक फेल्टिप लाइनर नहीं है, ब्रश लाइनर, क्योंकि मैं पर्सनली फेल्टिप लाइनर हूँ नहीं, मुझसे होता नहीं है फेल्टिप लाइनर से. तो ये मैं इसका रेव इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसे एक बार जिम में लगा के चली गई थी एंड जिम में लगा के गई थी मैं, क्योंकि मुझे बाहर से कहीं जाना था तो मैं फिर लाइनर लगा के फिर वहीं से जिम चली गई थी. तो
ये मूव नहीं करता है. लेकिन पूरे टाइम ये स्टे पुट रहा था. मतलब जिम में भी इतना स्वेटिंग होता है, ऑब्वियसली आप बात है वर्कआउट करते हैं, मैं बहुत स्वेट करती हूँ. स्पेसिफिकली मैं आईलेट जब इस एरिया फोरहेड एरिया से बहुत स्वेट करती हूँ मैं, बट स्टिल ये कभी कहीं भी मूव नहीं हुआ था. तो दैट्स अ गुड थिंग. तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है. लाइक आई वॉज शॉक्ड कि ये स्वेट होने के बाद भी ये मूव नहीं करता है. तो अल्टीमेटली ये स्वेट प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है, क्योंकि मैंने अपना फेस एक बार वाटर से स्प्लैश किया था एंड ये मूव नहीं किया था. तो वाटर रेजिस्टेंट डेफिनेटली है एंड स्वेट तो मतलब ताबड़तोड़ है. तो ये था थर्ड प्रोडक्ट अंडर ₹300. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कफ्स एंड लैसेस के कलर पॉप लाइनर. इनका मैंने पूरा इन डेप्थ रिव्यू किया हुआ है, जिसका मैं लिंक यहीं आई बटन पर डाल दूंगी. तो आप क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हो किस तरह का वर्क करता है. ओवरऑल ये लाइनर्स बहुत अच्छे हैं. लाइक इंडिया में ऐसा कोई भी ब्रांड स्पेसिफिक नहीं आया है जो कि पेस्टल लाइनर्स करते हैं. तो ये है लिक्विड लाइनर्स एंड इसमें पूरा मैंने इन डिटेल रिव्यू बनाया हुआ है. तो आप जाके यहाँ पे आई बटन पे चेक कर सकते हैं. ओवरऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छा है. लाइक अमेजोन हर जगह अवेलेबल है. तो आप पर्टिकुलर वीडियो चेक कर लो, पूरा डिटेल मैंने बनाया. तो फोर्थ ये था. नेक्स्ट कमिंग टू द फिफ्थ थिंग दैट इज अगेन फ्रॉम द हाउस ऑफ कफ्स एंड लैसेस एंड दैट इज उनका कवर पॉट्स. इनका मैंने इन डिटेल रिव्यू बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी. एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो कफ्स एंड लैशेज का जो कवर पॉट्स है बहुत ज़्यादा हाई कवरेज है. लाइक इतना ज़्यादा हाई कवरेज है, इनकी कवरेज बहुत अच्छी है. एंड ओवरऑल ये ड्राइंग नहीं, लाइक आपको उसको सेट करने की जरूरत नहीं है. मैं एज अ कंसीलर एंड एज अ आई प्राइमर दोनों यूज़ करती हूँ. एज अ आई प्राइमर दे वर्क्स लाइक बॉम, क्योंकि इनको सेट करने की जरूरत नहीं है. आई शेडो बहुत अच्छे से स्टिक होते हैं इनके ऊपर, क्रीज नहीं करते हैं. तो आई शेडो प्राइमर के लिए इट्स लाइक अ बॉम. सो ये बहुत हाईली रिकमेंडेड है अगर आप आई शेडो प्राइमर स्पेसिफिकली यूज़ करना चाहते. सो नेक्स्ट ये था और मेरा शेड इसमें 06 है. नेक्स्ट ये था. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज स्विस ब्यूटी का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम. मैंने इसमें लिया है इन द शेड 06 प्योर रेड. मुझे आजकल पता नहीं रेड लिपस्टिक का बहुत सूट चढ़ा हुआ है, तो मैंने ये लिया है. एंड ओवरऑल मुझे इसकी तारीफ करने की जरूरत है नहीं. स्विस ब्यूटी का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम NYX का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम का ड्यूप माना जाता है. तो ये एक्चुअली है भी, अगेन ये मैट लिपस्टिक है. ये आपके एज द नेम सजेस्ट सॉफ्ट मैट, तो आपके लिप्स को ड्राई नहीं करता है. इनको थोड़ा ड्राई होने में टाइम लगता है, यानी कि आप तुरंत ऐसा चाहोगे कि ये ट्रांसफर प्रूफ हो जाए वैसा नहीं होता है. टाइम लगता है थोड़ा ड्राई होने में. सो इसको थोड़ा टाइम दीजिएगा एडजस्ट होने के लिए. बट ओवरऑल बहुत अच्छा है, ड्राई नहीं करता आपके लिप्स को, बहुत ज़्यादा देर तक टिक जाता है, ट्रांसफर प्रूफ है एक बार ड्राई होने के बाद. ओवरऑल इसके सारे शेड्स अच्छे हैं. लाइक अगर आपको न्यूड चाहिए तो न्यूड थोड़ा कम है इसमें, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छे शेड रेंज है. बट मोस्टली डार्क कलर है. तो या ये चीज़ ये था. नेक्स्ट वाला एनएस. ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ब्लू हेवन का आर्टिस्टो ब्राउ पेंसिल स्टाइलर. इट्स अ लेजी गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड. लाइक अगर आपको ब्राउज बनाए नहीं आते हैं, आप बहुत लेजी हो, आपको मन नहीं कर रहा है, अल्टीमेटली ब्राउज क्या करते हैं आपके फेस को डिफाइन करते हैं. तो ब्राउज बनाना काफ़ी अच्छा होता है. लाइक आपके फेस को एक शेप देता है बहुत डिफाइन टाइप का. तो ये लेजी गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक तरफ इनकी ये पेंसिल है, यहाँ पे पेंसिल है काफ़ी अच्छी सी, एंड दूसरी तरफ यहाँ पे स्पूली है. तो अगर आपको नहीं आता है, आप चाह रहे हो कि पेंसिल चाहिए आपको विद स्पूली, तो आप बहुत अच्छा सिर्फ इसको अपने बैग में डाल सकते हो एंड कैरी कर सकते हो एंड यू आर डन विद द आईब्राउज. सो ये ओवरऑल बहुत अच्छा है. मैंने इसे बहुत बार यूज़ किया. आई थिंक मैंने भाई की शादी में पूरा टाइम इसे यूज़ किया था. लाइक फिर भी यू कैन सी मैंने कितना ही बचा है इसमें. ये काफ़ी अच्छा है एंड आपको वैसे बहुत थोड़ा सा चाहिए. एंड मैं इसमें आई थिंक ग्रे शेड यूज़ कर रही हूँ. मैं पहले ब्राउन ट्राई करती थी, बट आई थिंक मुझे ग्रे शेड ज़्यादा बेटर सूट करता है. सो या नेक्स्ट प्रोडक्ट ये. सो यस गाइस, दैट वाज द होल वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ मेंशन की हैं उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एंड जितनी वीडियो मेंशन की है उनका लिंक यहाँ आपको आई बटन पे मिल जाएगा. तो आप उसे क्लिक करके डायरेक्टली वीडियो पे जा सकते हैं. सो दैट वाज द होल वीडियो गाइस. और ऐसे भी मैं बहुत सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें लाइक हॉल, छोटा हॉल या फिर छोटे छोटा रिव्यूज़ इंस्टाग्राम पर डालती हूँ. तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा. इंस्टाग्राम का हैंडल आपको यहीं कहीं स्क्रीन पर दिख रहा होगा या तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो प्लीज़ मेक श्योर टू डू चेक दैट आउट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल देन, बाय.